Assalam alaikum everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are doing well. So alhamdulillah main bhi theek hu. Aur ye vlog kafi arse baad banaya kyunki aap sab jante hain. So ye first time Hassan ja raha tha apni nano ki taraf. और ये सारा अरेंजमेंट जो हसन के नाना नानो और खाला ने किया है और ये सारी डेकोर जो है तीवा ने की है जो कि मेरी एक अदद बहन है. सो ये हम लोग एंटर हो रहे हैं और ये सारी डेकोर थी और मुझे वैसे आइडिया नहीं था कि इतनी प्यारी वो डेकोर करेगी और सारा ऐसे हसन के लिए अरेंजमेंट्स होंगे, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा था. यहाँ से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक चलाया हुआ था और कॉपीराइट आ जाएगा. ये थी सारी डेकोर और बहुत प्यारी लग रही थी और इसमें फेरी लाइट्स इसने ऐड की हुई थी और सारा मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतना इसने अरेंज किया होगा क्योंकि ये मुझे बार बार पूछ रही थी कब आना है, मुझे एक दिन पहले बताना, मुझे दो दिन पहले बताना. तो मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा डाउट हो गया था कि वो कोई सरप्राइज़ अरेंज कर रही है. और ये जो आप केक देख रहे हैं ये एसके केक फीस से ऑर्डर किया था और बहुत ही प्यारा और बहुत ही मज़े का था. थैंक यू सो मच दीवा खाला फ्रॉम हसन. केक कट हो चुका है और अब हम सब पिक्चर्स बना रहे हैं और मेरे सारे इन लॉज का डिनर था. मम्मी की तरफ डिनर का तो पता था कि बुलाया हुआ है, लेकिन ये नहीं पता था कि सरप्राइज़ होगा हसन के लिए. सो सबसे पहले हमने केक कट किया था और अब ये सब डिनर करेंगे. Thank you.
कंप्लीट इसकी डेकोर केक की सारी, और जो मेन जो मुझे सबसे अच्छा लगा था वो क्यूट क्यूट से छोटे छोटे बेबीज़ बनाए हुए थे केक के ऊपर, और जो कपकेक्स थे उनके ऊपर भी बने हुए थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, जो कि मैंने पहले नोट नहीं किए थे, बाद में मुझे पता चला था। सो ये था सेकेंड वेलकम वीडियो जो कि हसन की नाना नानो के घर में हुई थी, और सारा अरेंजमेंट जो था वो हसन की खाला ने किया था जो कि मेरी एक ही बहन है। सो थैंक यू सो मच तेबा इतना प्यारा अरेंजमेंट करने के लिए और इतना क्यूट सा केक बनवाने के लिए और सारा डिनर अरेंज करने के लिए, थैंक यू सो मच। सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको भी आइडिया मिला होगा डेकोर से और केक से। तो बहुत से लोगों ने मुझे इंस्टा पे कहा था कि आप व्लॉग अपलोड करें, और वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि बेबी के साथ व्लॉग अपलोड करें। तो बेबी के साथ व्लॉग इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, क्योंकि इतना इजी नहीं है बच्चे के साथ आप यूट्यूब मैनेज करना। सो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपकी लाइफ में एक चेंज आ जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सो जैसे ही सब कुछ एडजस्ट होता है तो मैं ज़रूर व्लॉग्स बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़।